गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास सेंटीपेटल फोर्स, है ना। सेंटीपेटल फोर्स हमने बताया था आपको कि कैसे हर अलग सिचुएशन में किस तरह कौन सा फोर्स सेंटीपेटल फोर्स पर एक्ट करता है, उस तरह के फ्रिक्शन में क्या यूज है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए इसमें मैं हमने एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे बैंकिंग ऑफ
इस पूरे वाले केस में देखिए हमने फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अब मान लीजिए अब इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब इतनी वेलोसिटी से अगर हम सर्कुलर टर्न पर टर्न लेंगे तो कोई भी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हो, कोई भी स्लिप नहीं करेगा, कोई भी गाड़ी नहीं पलटने वाली है। बट अगर इस वेलोसिटी से हम अगर इस वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं अपनी कार की स्पीड को इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी से, तो अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो रेडियस को भी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा, बड़े सर्कल में टर्न लेना पड़ेगा। और फ्रिक्शन का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर रेडियस बढ़ाना चाहेगा सर्कल वो हमारा कार बड़ा रेडियस बनाना चाहेगा, सर्कल को बड़ा टर्न को बड़ा करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है उसको अपोज करना। अब फ्रिक्शन का काम उसको अपोज करना होता है तो उस केस में रेडियस बड़ा होगा तो इसका मतलब ये सर्कल है ऐसे बड़ा करने की कोशिश करेगा, यू ऐसे बढ़ेगा तो बड़ा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा उसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डाउनवर्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जब वो रेडियस बड़ा करने का कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा डाउनवर्ड लगेगा। बट उसी केस में अगर हम वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का रिक्वायर्ड वेलोसिटी से कम कर रहे हैं तो उस केस में रेडियस क्या होगा कम करेंगे तो रेडियस क्या होगा और छोटा होने की कोशिश करेगा, तो जब और छोटा होने की कोशिश करेगा तो और छोटा होगा ये, तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स फ्रिक्शन लग जाएगा अप द इंक्लाइन प्लेन, उसके रेडियस को क्या करेगा बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है उसको मोशन को अपोज करना, समझ में आ रहा है। तो देखिए उस केस में अगर हम वेलोसिटी चाहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी चाहते हैं तो वैल्यू क्या क्या आती है तो उसको समझिए। अब हम इसमें ले रहे हैं बैंकिंग में ही, बैंकिंग का केस है ये, आपको एक बात याद रखना है फ्रिक्शन का काम क्या है मोशन को अपोज करना, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड में ही इफ फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन क्या है देखिए क्या होगा उसमें, थीटा है ये ब्लॉक है ये स्ट्रैक में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, रेडियस का होगा स्टूडेंट्स आर, ये नॉर्मल होगा ये क्या होगा स्टूडेंट्स थीटा, इधर क्या होगा एन कॉस थीटा, डाउनवर्ड क्या होगा एम जी, और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एन साइन थीटा। अब हम कर रहे हैं इफ केस फर्स्ट ले रहे हैं, इसके दो केस हम पढ़ेंगे। केस फर्स्ट इफ वेलोसिटी ग्रेटर देन वी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड जो हमने लिखा था ना आर जी टेक्निकल, अगर वेलोसिटी हम उससे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो वो वैल्यू क्या होगी जिससे हम सेफ टर्निंग ले सकते। तो देखिए अब वेलोसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो वी स्क्वायर बाय आर क्या था कांस्टेंट था, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगा, बट फ्रिक्शन का काम क्या होगा रेडियस को डिक्रीज करना, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स डाउनवर्ड, समझ में आ रहा है। यहां पर लिख लेते हैं म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए ये ब्लॉक है इस टाइप से डायग्राम में इसको बना लेता हूँ दोबारा से, देखिए सेंटर की तरफ क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स एन साइन थीटा, अपवर्ड क्या लगेगा स्टूडेंट्स एन कॉस थीटा, नॉर्मल के तो हमने कंप्यूटर करने तो नॉर्मल को मत लिखो, और डाउनवर्ड क्या लगेगा एम जी, और इधर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स फ्रिक्शन, ये एंगल थीटा स्टूडेंट्स, ये भी हॉरिजॉन्टल तो एंगल क्या होगा थीटा, फ्रिक्शन तो कंप्यूटर कर दिए, ये कंप्यूटर तो इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ कॉस आता है, डाउनवर्ड क्या जाएगा स्टूडेंट्स एफ ये इसके पास हो गए, ठीक है। तो इस केस में देखिए स्टूडेंट्स सेंटर की तरफ फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आया है, तो सेंटर की तरफ दो फोर्स आ रही है, तो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, तो लिख लेंगे एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट एम बी स्क्वायर बाय, दूसरा क्या हो जाएगा एक इसको बैलेंस कर लेगा दैट इज एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इसको कर लिया ये एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, इसको इक्वेशन मान लीजिए इसको इक्वेशन टू मान लीजिए, समझ में आ रहा है। ओके देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल, क्योंकि यही होता है, देखिए डिवाइड कर रहा हूँ ठीक है 1 डिवाइड बाय 2,
ठीक है, फिर उनको टू से डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा स्टूडेंट एन साइन थीटा, जहाँ जहाँ पे फ्रिक्शन है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे यू इनटू एन, तो पहले लिख लेते हैं जो एक बार ब्लेस्ट कर देंगे आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की जगह पे यू एन क्या जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन की जगह पे यू एन साइन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। देखो कॉमन क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, एन कॉमन ले लेंगे तो एन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एन कॉमन ले लो तो ऐसे भी बराबर कर गया बी स्क्वायर बाय आर जी, एन से एन कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसमें से साइन थीटा को भी कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो देखिए स्टूडेंट अंदर जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू, देखिए कॉस तो बाहर आ गया, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये टर्म आ जाएगी साइन से साइन कॉस जाएगा अंदर तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन आ गया, ये होगा तो म्यू कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो बनेगा वन माइनस म्यू, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर बाय आर जी, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर बाय आर जी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर आर जी को तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा देखिए आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस म्यू ऑफ टेन थीटा, और बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ क्या आएगा आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा होल डिवाइड बाय वन माइनस म्यू ऑफ टेन थीटा, दिस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब अगर आप बी ग्रेटर देन बी रिक्वायर्ड चाहते हैं तो उस केस में सेफ के लिए आपको इतनी वेलोसिटी रखनी चाहिए, और इससे ज्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी गाड़ी कट सकती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Now, इसका नेक्स्ट जो केस हम लेंगे वो सेकंड केस होगा दैट इज बी लेस देन बी रिक्वायर्ड, क्लियर है? ओके, केस सेकंड हम ले रहे हैं इसमें बी लेस देन बी रिक्वायर्ड, बी का वैल्यू बी से क्या होगा छोटा होगा, देखिए बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू कांस्टेंट है, इफ बी डिक्रीजेस वी हम बी से डिक्रीज कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है तो आर आल्सो डिक्रीजेस, आर भी क्या होगा आर भी डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, अगर आर डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा फ्रिक्शन अप लग जाएगा जॉइंट के, क्योंकि डिक्रीज होगा तो रेडियस और छोटा बनेगा, एज छोटा हो रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स अप लग जाएगा। तो इस वाले केस में फ्रिक्शन जो है वो किधर लगने वाला है हमारे अप द इंक्लाइन ऐसे, तो यहाँ जो फ्रिक्शन हमारे यहाँ डाउनवर्ड लग रहा था और फ्रिक्शन क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स अप लग जाएगा, तो एक हॉरिजॉन्टल ऐसे बना लोगे ये क्या हो जाएगा थीटा, तो उस केस में देखिए इधर तो आ जाएगा एफ ऑफ कॉस थीटा और ऊपर क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा हमारे पास एक तो इधर हॉरिजॉन्टल के साथ इधर होगा ना कॉस थीटा उधर क्या आ गया साइन थीटा, तो देखिए पार्टिकल कैसे घूम रहा है स्टूडेंट्स घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में रेडियस कितना होगा इसका आर, तो देखिए दो फोर्स लग रहे हैं सेंटर के अलोंग, एक तो एन साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा दोनों अलोंग द लाइन है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा स्टूडेंट्स एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा में से क्या घटा देंगे हम एफ कॉस थीटा को, तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर, एक इक्वेशन होंगे फ्रिक्शन का वैल्यू मेन टू एन तो रह जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर लग रहा है एन कॉस थीटा ऊपर भी क्या लग रहा है एफ साइन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा एम बी क्या हो जाएगा वन डिवाइड बाय क्या कर दोगे टू कर दोगे, ठीक है देखिए क्या आएगा एन साइन थीटा माइनस एफ
cos theta whole divided by n cos theta plus f sin theta equal to mv square by r divided by क्या हो जाएगा mg m से m cancel हो गया n sin theta f रहेगा क्या plus का दोगे plus mu n cos theta divided by n cos theta plus question दिया क्या होगा mu n sin theta equal to क्या हो जाएगा v square by तो देखिए कॉमन क्या सकता है कॉमन n ले लेते हैं ये n sin n sin theta को n cos theta को ले लो तो क्या आएगा sin theta by cos theta minus n sorry mu divided by क्या हो गया हमारे पास इधर ले लेंगे n cos theta कॉमन यहाँ देगा 1 plus mu sin theta by cos theta ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा v square by जिससे कैंसिल आउट हो गया क्या होता है स्टूडेंट टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर तो देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये तो चला जाएगा तो टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर जी मल्टीप्लाई हो जाएगा आर जी तो वी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ टेन थीटा माइनस म्यू आर जी डिवाइड बाय वन प्लस म्यू टेन ऑफ थीटा समझे तो ये था बी लेस देन बी पार्टिसिपेशन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आपको तो ये थोड़े फिक्शन के टिपिकल केसेस में से एक है ठीक है ना तो समझ में आया थोड़े सा आपको तो इसमें हमने क्या किया देखिए फिक्शन में ही सबको मोशन को इग्नोर कर दिया तो जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते चले जाते हैं स्टूडेंट्स थोड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से और मिक्स होते चले जाते हैं ठीक है तो आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना ताकि चीज़ें बिल्कुल भूलते ना चले जाए ना नोट कर लीजिए इसको इसमें मैं स्टूडेंट्स आपको एक टॉपिक हम इसमें और पढ़ लेते हैं दैट इज स्यूडो फोर्स ठीक है नाम ही देखिए स्यूडो है स्यूडो का मतलब होता है स्टूडेंट्स नकली ठीक है स्यूडो वास्तव में कोई फोर्स नहीं होता तो न्यूटन का फर्स्ट सेकंड लॉ हमने पढ़ रखा है एफ नॉट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये जो फोर्स ये जो ठीक है न्यूटन जो सेकंड लॉ होता है इट इज वैलिड ओनली फॉर नॉन सॉरी वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर ठीक है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है स्टूडेंट्स इनिशियल सॉरी इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए इनिशियल ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या कहते हैं रेस्ट पे रहते हैं तो ये सिर्फ वैलिड किसके लिए होता है फॉर अ इनर्शियल ऑब्जर्वर अगर हम f नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये जो आया है दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ अगर हम लिख लेते हैं f न्यूटन सेकंड लॉ फॉर न्यूटन सेकंड लॉ
वैलिडेशन फॉर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर शुड अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रही है बात? अगर हम एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन है, अगर ऐसे ऑब्जर्वर के लिए अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ को वैलिडेशन कराना चाहते हैं या वैलिडेट कराना चाहते हैं, या वो हम ऐसा चाहते हैं कि कोई नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करे, तो उसके लिए हमें एक यूज करना पड़ता है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जो होता है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें स्टूडेंट्स मास होता है ऑब्जेक्ट का, और ए क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जर्वर का। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स जो होता है वो एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, जिसमें अगर मैं वेक्टर वाइज लिखूं तो वेक्टर मैं ऐसे लगा दूंगा, तो यहाँ पे एक साइन क्या लगा दूंगा? माइनस लगा दूंगा, क्योंकि ये जो स्यूडो फोर्स लगता है वो हमेशा मोशन के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। समझ में आ रहा है बात? ओके, समझ में आ रहा है। तो देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से क्लियरिफाई कराता हूँ। मैं इसको नोट ले लीजिए, तो लेफ्ट में एक ब्लॉक है मास का, ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन से अपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर वन जो ग्राउंड पे है, एक ऑब्जर्वर टू जो क्या है? लेफ्ट पे, ठीक है। दिस इज ऑब्जर्वर वन एंड दिस इज ऑब्जर्वर टू। हमसे बोल रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग as seen by observer 1 and observer 2। ठीक है, observer 2 क्या है? ग्राउंड पे है, और observer सॉरी 1 ग्राउंड पे है, और 2 क्या है? लिफ्ट के अंदर ही है, ठीक है। ये लिफ्ट है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। देखिए, सबसे पहले observer 1 ग्राउंड पे है, observer 2 क्या है? लिफ्ट के अंदर है। फॉर observer 1, ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, देखिए ये लिफ्ट है, ये ब्लॉक है एम मास का, देखिए टेंशन टी लगेगा अपवर्ड, एम डी का लगेगा इस पे डाउनवर्ड। अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? ये ब्लॉक क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इक्वेशन लिखूंगा मैं, इक्वेशन के लिए क्या होगा? देखो, टेंशन इस पे अपवर्ड लग गया, ऊपर जा रहा है, तो ये फोर्स बड़ा हो गया, तो एफ नॉट इक्वल टू क्या लगाऊंगा मैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये ऊपर लग रहा है, ये फोर्स क्या लग रहा है? डाउनवर्ड। एम जी इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एम जी प्लस एम ए। टेंशन का वैल्यू आ गया, क्लियर है? तो टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए आ गया। ये किसके लिए आ गया? फॉर ऑब्जर्वर वन जो क्या है? ग्राउंड पे है। ओके, नाउ मैं फॉर ऑब्जर्वर टू जो किस में है? लिफ्ट में है, उसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहा हूँ। देखिए ब्लॉक है, टेंशन टी अपवर्ड है, और एमजी क्या है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड। अब देखिए ऑब्जर्वर टू को क्या लग रहा होगा? अगर ऑब्जर्वर टू लिफ्ट के अंदर ही है, ठीक है, तो अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो देखिए ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी ए है। इस वाले केस में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना था स्टूडेंट? जीरो था। यहाँ पे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना था? जीरो था, क्योंकि ग्राउंड पे वो देख रहा रुका हुआ। तो बट इस वाले केस में देखिए, ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को क्या लग रहा है? इस ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देख रहा होगा, तो इसको क्या लग रहा होगा कि ये जो ब्लॉक है हमेशा इसके सामने क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन इस लिफ्ट का है, उतना एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर का है, और उतना ही एक्सेलरेशन क्या हुआ? इस लिफ्ट ब्लॉक का हुआ। अब
इसका मतलब ये हमेशा इसके सामने क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ये तो ऑब्वियस बात है, एक कमरे में हम बैठे हुए हैं तो जितने भी बंदे बैठे होंगे, एक पर्सन या एक बस में बैठे हुए तो सब एक दूसरे के रिलेटिव भी क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। बट ग्राउंड पे बैठे हुआ कोई बुजुर्ग उसको देख रहा होगा तो सबका क्या होगा, आइसोलेशन होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में इसका आइसोलेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, जीरो हो गया। ठीक है, फिर हमने रेस्ट पे रहेगा तो टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू आइसोलेशन, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम जी आ गया। अब ये बोल रहा है कि टेंशन की वैल्यू एम जी प्लस एम है, ये बोल रहा है टेंशन की वैल्यू एम जी है, तो कौन सी स्टूडेंट सही है, ये क्या है गलत। इसमें हमने नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू आइसोलेशन ऐसे ऑब्जर्वर के लिए लगाया है जो कैसा है, नॉन इनर्शियल। कैसा है ये, नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए हमने आइसोलेशन लगा दिया है। अब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए अगर हम ये न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं तो अगर हमें इसे वैलिडेट कराना है तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब स्यूडो फोर्स लगाएंगे हम कैसे, वो समझिए। अब देखिए स्यूडो फोर्स का तरीका क्या है, मैंने लिखा था एफ पी इक्वल टू एम इंटू ए, इसमें ए किसका था, ऑब्जर्वर का, मास किसका था, ऑब्जेक्ट का, माइनस साइन लगा दिया था। मतलब ये जो एफ पी लगेगा वो आइसोलेशन से क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। अब देखिए ये ब्लॉक है, ये मास क्या है, एम, आइसोलेशन क्या है स्टूडेंट, अब बढ़े। अब यहाँ पे ब्लॉक है, अब ये पर्सन है, इस पर्सन का आइसोलेशन भी क्या है, अपवर्ड है, इनटू है, ये लिफ्ट के अंदर ही है तो इसका आइसोलेशन भी अपवर्ड है। तो सबसे पहला तरीका देखो, बता रहा हूं आपको, जो भी आइसोलेशन ऑब्जर्वर का हो उस आइसोलेशन को रिवर्स करके आप इस ब्लॉक को दे दीजिए। तो एफ ए है, ठीक है, ए है, तो ये आइसोलेशन हम क्या कर देंगे, रिवर्स करके इसको दे देंगे स्यूडो फोर्स की फॉर्म में। देखिए माइनस इसी लिए बोला जाता है कि देखिए यहां पर है तो इस पे स्यूडो फोर्स क्या लग जाएगा स्टूडेंट, डाउनवर्ड। देखिए एफ पी कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज, और डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा उसके स्टूडेंट्स, एम जी, और ये ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन टी। और देखिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए था और इसका एक्सेलरेशन भी हमें डाउनवर्ड हमने दिया क्योंकि इसके क्या है, रेस्ट पे है। मतलब जो भी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन हो वो रिवर्स करके आप क्या कर दें, ब्लॉक को दे दें। तो ये काम हमने कर दिया। तो उस केस में ये जो ब्लॉक है हमारे पास उस पे टेंशन लग रहा है टी, एक एक्सेलरेशन अपवर्ड उस पे पहले से ही था क्योंकि लिफ्ट में वो था, और ये एक्सेलरेशन हमने जो ऑब्जर्वर का था उल्टा करके इसको दे दिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, जीरो हो गया। और हमने उस पे एक स्यूडो फोर्स लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है तो स्यूडो फोर्स का लगा देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा होता तो स्यूडो फोर्स का लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लग गया पी, इसकी वैल्यू किसकी होगी, एम ए के बराबर, डाउनवर्ड का लगा था इसके एम जी, एक्सेलरेशन तो इसके पास है ही नहीं, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, देखिए ऊपर टेंशन टी है और डाउनवर्ड गया इसके एम जी प्लस एम ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि एम इनटू एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो टी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, एम जी प्लस एम ए, क्योंकि एम इनटू जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ से देखिए टेंशन का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, एम जी प्लस, समझना है। तो अगर हमें न्यूटन सेकंड लॉ को, ठीक है, फॉर ए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर वैलिडेट कराना है, ठीक है, अगर एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स का स्टूडेंट डायरेक्शन क्या होता है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होता है, समझ में आ रही है बात, ओके, क्लियर है ये स्यूडो फोर्स, नोट कर लीजिए इसको। मैं इसको आपको ये एग्जांपल बता देता हूँ इसका, अगर और ज्यादा क्लियर फाइन हो जाएगी। अब देखिए मान लीजिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक पेंडुलम है, स्टेप से मास इसका एम है, और ये लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। या मान लीजिए कार है, ठीक है, कार की सीलिंग से एक ब्लॉक पेंडुलम है, मास का वो हैंग है, ठीक है,
थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो पेंडुलम है वो ऐसे वर्टिकल से थीटा ऐसे इंक्लाइन होता है, जो कार एक्सीलरेट होती है ना, कम क्या होते हैं पीछे की तरफ, पीछे की पेंडुलम भी क्या जाएगा पीछे की तरफ। कौन लेकर आया इसको पीछे, तो इसको कौन लेकर आया, स्टूडेंट शूट ऑफ कोर्स लेकर आया, समझ मारिए बस। तो इसको लाने वाला कौन है, शूट ऑफ कोर्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को अगर हमसे पूछे फाइंड थीटा, समझ रहा है, थीटा बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब इस पे डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, स्टूडेंट्स मास की वजह से इसके एनर्जी। अब ऑब्जर्वर को मैं यही बिठा दूं लिफ्ट कार के अंदर ही। अब अगर इसका एक्सीलरेशन ए है, देखिए स्टूडेंट्स इस बॉल का एक्सीलरेशन भी ए होगा, तो इसके रिलेटेड तो ये रेस्ट पे आ गया, बट इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, शूट ऑफ फोर्स। जो एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन के क्या अपोजिट, तो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन इधर है तो इसमें शूट ऑफ फोर्स का लग जाएगा, इधर लग जाएगा, ठीक है। तो यानी ये ब्लॉक है ऐसे, तो इसपे एक शूट ऑफ फोर्स लग गया इधर, डाउनवर्ड का लग गया स्टूडेंट्स mg, और ये एंगल क्या है थीटा। तो देखिए अगर ये ब्लॉक है तो इस पर टेंशन क्या लग जाएगा, इधर की तरफ ये आप इसको वर्टिकल बना लें, ये एंगल भी क्या होगा थीटा, इस टेंशन के कंप्लीट कर दीजिए क्या होगा स्टूडेंट्स t cos थीटा, और एंगल क्या हो जाएगा t sin थीटा। समझ आ रहा है, अभी तो रेस्ट पर है, इसका एक्सीलरेशन क्या है जीरो है, तो जीरो इसका मतलब ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, इसका मतलब टी कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा mg के, और टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स fp के, और fp का वैल्यू होगा किसके बराबर स्टूडेंट्स, fp का वैल्यू ma के बराबर होगा, ठीक है। मास इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। डायरेक्शन में माइनस साइन एडजस्ट हो गया। अब ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन क्या है टू, टू डिवाइड बाय क्या कर दोगे वन कर दोगे, तो क्या आ जाएगा थ्री साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एफपी, एफपी कितना एफपी लिख दो एफपी बाय एमजी। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया टेन थीटा इक्वल टू एफपी क्या है एमए, और ये क्या हो जाएगा एमजी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स ए बाय जी, तो थीटा क्या आ गया स्टूडेंट टेन इनवर्स और ए बाय स्टूडेंट्स। तो ये शूट ऑफ फोर्स का मतलब होता है, क्लियर है। तो शूट ऑफ फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये शूट ऑफ फोर्स लगता कब है, जब हम न्यूटन सेकंड लॉ को किसके लिए वैलिडेट कराना चाहते हैं, फॉर अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए इसको, जैसे सूडो फोर्स होता है इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखिए अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, मान लेते हैं थ्रेड से पार्टिकल बंधा हुआ है इधर और सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके सेंटर की तरफ एक सेंटीपेडल फोर्स लगेगा, इसी तरह यहाँ पे एक सेंटीपेडल फोर्स लगेगा, ठीक है। स्पीड इसका कितना कितना इस टाइम स्टूडेंट्स बी है, और रेडियस कितना इसका आर। तो अगर ऑब्जर्वर को मैं यही बिठा दूं इसी बॉल पे, और क्या बना दूं मैं ऑब्जर्वर को, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बना दूं, तो उस केस में इसी ब्लॉक पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगने लग जाएगा एफजी, एफजी को हम क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ रहा है, क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस केस में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो रहा है सेंटर से बाहर एक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते थे mv स्क्वायर बाय r, ये किसके लिए लिखते थे फॉर एन इनर्शियल ऑब्जर्वर, किसके लिए इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए। अगर मैं बात करूं फॉर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, तो
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fg का जो वैल्यू होगा वो सेम यही होगा mv स्क्वायर बाय r होगा, बट ये ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंटर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे लगता है, समझ आई बात? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स x अवे फ्रॉम सेंटर, समझ आई बात? क्या है, तो आपने देखा होगा अगर आप एक चलते प्लेटफॉर्म पे, जैसे कोई प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा हो और एकदम से आप उस पे पैर रखते हैं तो आप एकदम से क्या होगा बाहर की तरफ, आपको एकदम से एक फोर्स लगता है कि आपको एक बाहर की तरफ कोई धक्का दे रहा हो, तो वो कौन सा फोर्स होता है स्टूडेंट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में उसको डिफाइन तो नहीं करते बट वो एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का नकली फोर्स होता है बट ये होता है, और अच्छे कुछ टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें मदद भी मिलती है। तो इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चंस के थ्रू इसको सब कवर करेंगे तो, और ताकि हमारा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बट आप इतना ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से अवे लगता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।